ऐसे जगह इंडिया में ही पॉसिबल है। इंडिया में क्या नहीं है दोस्त, यहाँ पे बर्फ है, यहाँ पे समंदर है, यहाँ पे रेगिस्तान है, क्या नहीं है, एवरीथिंग इज हियर। सो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये जो काम आता है ये सही है, इसमें कोई दोराय नहीं है। अभी देखिए सामने गुलमार्ग का उसी एरिया में जाना है, गोंडोला से पहले हम जाएंगे फर्स्ट फेज सेकंड फेज, उससे पहले चाय पी लेता हूँ, कॉफी पी लेता हूँ, और जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है। गुड मॉर्निंग, आज श्रीनगर टूर का सेकेंड डे एंड वी आर प्रोसीडिंग टूअर्ड द गुलमर्ग। अभी सुबह का 8 बजे का टाइम है और देखिए मौसम अभी बिल्कुल क्लियर तो है नहीं, बट हल्का हल्का फॉगी वेदर अभी इस समय श्रीनगर सिटी में है। अभी नाउ वी आर क्रॉसिंग श्रीनगर सिटी और गुलमर्ग पहुंचने में हमें 1.5 घंटा समय लगेगा। जो ये सामने हमारा जो ड्राइवर जा रहा है, जो कार हायर किए थे हमने बाकी पैसेंजर्स के लिए, तो वो भी साथ में जा रहा है, मैं उनको फॉलो करते हुए जा रहा हूँ। दो आई हैव स्टार्टेड द नेविगेशन सिस्टम, ये नेविगेशन सिस्टम वाला भी डिस्टर्ब करते रहता है बीच बीच में, हमारा बात का डिस्टर्ब कर देते हैं। तो देखिए राइट टर्न लेके हम चलते हैं आगे। तो अभी सुबह का 8 बज गए, अभी पहुंचते पता नहीं 1-1.5 घंटा तो कम से कम लगेगा जैसे मैं बता रहा था। तो सुबह इसलिए निकला, आज हमारा टिकट जो स्लॉट था 9 बजे से हमारा टिकट है, ऑलरेडी हम लोग ऑनलाइन जो गोंडोला राइड है उस गोंडोला राइड के लिए फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज दोनों फेज के लिए टिकट हमने पहले से ही ऑनलाइन बुक करके रखे थे। अभी कल एक ट्रैवलर से बात हुआ, उन्होंने बोला नहीं यहाँ आकर के भी आपको मिल सकता है, बट उनको सेकेंड फेज का टिकट नहीं मिला, तो इसीलिए ऑनलाइन टिकट करके आना सही रहेगा। हमारा जो टिकट प्राइस है कुल मिला के 740 रुपये होगा और सेकेंड फेज का 900 समथिंग है, मैं एग्जैक्ट बता दूंगा। अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिखाइए मेरा शक्ल दिखाइए। तो दोस्त अभी नेशनल हाईवे 1 पे अभी चल रहा हूँ। चलिए बीच बीच में मैं आपको रोड कंडीशन दिखाते हुए जाऊँगा गुलमर्ग तक, और साथ में रहिए मेरा चैनल का अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। हाँ ये नेशनल हाईवे 1 पे मैं जा रहा हूँ, तो मेरा चैनल को अरे यार इसको बंद रखना पड़ेगा थोड़ी देर। आप अगर मेरा चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ये जो है ना हमारा कश्मीर टूर काफ़ी लंबा होने वाला है, कई दिन यहाँ पे रहेंगे, 10 दिन का टूर है कम से कम। यहाँ से सोनमार्ग जाऊँगा, सोनमार्ग से पहलगाम जाऊँगा, बट सोनमार्ग का कुछ इशूस आ रहा है, मैं आपको बता दूँगा क्या है वो बाद में नेक्स्ट ब्लॉक में जब जाऊँगा उधर मैं बताऊँगा। तो फिलहाल अभी जो रोड दिखाइए, ये रोड का जो देखिए कितना यहाँ पे हरियाली तो नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे हरियाली तो नहीं मिलेगा, सूखा सूखा है हर पेड़। मैं कल जैसे ब्लॉग बनाया था, कल वाला ब्लॉग में आप देखा होगा यहाँ का जो चिनार पेड़ है उस पेड़ का पत्ती अभी बिल्कुल गोल हो गया, वो मिलेगा अगले मार्च अप्रैल के बाद ही एक पेड़ का पत्ती दिखाई देगा आपको। तो चलिए चलते रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए, इसमें आपको बिल्कुल सारे चीज़ मैं दिखाऊंगा, कवर करते हुए जाऊंगा, और जब आप खुद ड्राइव करते हुए आएंगे यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। हमारा जो कोशिश हमेशा यही रहता है, मैं चाहता हूँ आप जब आए खुद ड्राइव करके आए तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, कहाँ कहाँ क्या दिक्कत आ सकता है, क्या हो सकता है, क्या सुविधा है, क्या दिक्कत आ सकता है, सारी चीज़ मैं डिटेल्स में बारीकी से मैं बताते हुए जाऊँगा। तो चलिए फिलहाल थोड़ी देर के लिए मैं अभी कैमरा बंद करता हूँ। दोस्त देखिए यहाँ का जो श्रीनगर का मकान है
बाकी जो कंस्ट्रक्ट किया गया है तो ईंट से ब्रिक्स से है, बट ऊपर जो छत है और छत देखिए ढलान टाइप है और सारे टिन शेड है। इसका रीज़न यही है, बर्फ़ जब गिरता है और जब पिघलता है तो इमीडिएट वहाँ से नीचे आपको जो मेल्टिंग होता है, मेल्टिंग का टाइम में नीचे आ सकता है इमीडिएट, नहीं तो वहाँ पे पानी जम जाएगा। अभी इस रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं है, सुबह सुबह का टाइम है, हम दोनों गाड़ी दिखाई दे रहा है, बाकी आगे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हमें थोड़ा सा अर्ली इसलिए जाना है, तो हमारा 9 बजे का टाइमिंग है वहाँ पर, 9 से 11 बजे का, तो थोड़ा सा पहले जाऊँगा तो पहले सारे चीज़ कवर करके आ सकता हूँ। हमारा जो टूर रहेगा फर्स्ट फेज सेकंड फेज दोनों फेज में कवर करूंगा। ये लेफ्ट साइड में आप देखिए यहाँ पे जो है ना बर्फ़ का परत जमा है, सुबह सुबह यहाँ पे हल्का हल्का बर्फ़ गिरा है, बर्फ़ में ज़्यादा तो नहीं है बट हल्का हल्का आपको दिखाई दे रहा होगा सफ़ेद सफ़ेद, तो अनदर एक हफ्ता के अंदर यहाँ पे पूरा बर्फबारी होने का चांसेस है बता रहा है जो कॉल रेजिडेंट पीपुल है, दे आर टेलिंग दैट विद इन 7 डेज दैट वी आर एक्सपेक्टिंग द स्नोफॉल। ऐसा तो वहाँ पे गुलमर्ग में है ही, बट इस एरिया का मैं बात कर रहा हूँ। नाउ वी आर ऑन द रोड ऑफ टांग मार्ग रोड, जस्ट अनदर वी हैव क्रॉस्ड 14 किलोमीटर्स। आफ्टर 14 किलोमीटर्स अभी टांग मार्ग रोड से आपको लेफ्ट टर्न लेना है और आगे चलते रहना है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हरियाली पेड़ दिखाई दे रहा है राइट साइड में, देखिए जो बीच में डिवाइडर है डिवाइडर में, बाकी काफ़ी देर से ये ऐसा टाइप पेड़ दिखाई नहीं दे रहे थे, बट यहाँ पे इसलिए मैं सोचा एक बार आपको दिखा दूँ ये पेड़। और लेफ्ट साइड में देखिए अभी यहाँ पे हल्का हल्का दो चार बिल्डिंग ही दिखाई दे रहा, कंस्ट्रक्शन तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। तो ऑलरेडी हम लोग 33 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं श्रीनगर से, और अनदर कितना किलोमीटर है मैं आपको बता दूंगा। हमारा स्पीडोमीटर जो दिखा रहा है 33 किलोमीटर और एज पर आवर ये 41 मिनट्स रह गया है, 24 किलोमीटर लेफ्ट ओवर है। तो एज पर आवर रिकॉर्ड जो दिखा रहा है गूगल मैप में 24 किलोमीटर, ये देखो 24 किलोमीटर रह गया, 40 मिनट का ड्राइविंग टाइम रह गया, और पहुंचने का जो एक्सपेक्टेड टाइम दिया गया है इसमें 9:15, और वी आर ऑन NH 01A 701 701A में हमें जाना है 12 किलोमीटर आगे जा करके। अच्छा। ठीक है। अच्छा। अभी हम लोग है अभी NH 1 में ही है अभी, थोड़ा सा ऑब्स्टकल JNK पुलिस का बैरिकेड है यहाँ पे, बट चेकिंग नहीं है। और दोस्त देखिए जस्ट हमारा सामने सफ़ेद सफ़ेद पहाड़ दिखाई दे रहा है और वो ही है गुलमर्ग। अभी यहाँ से क्लियर तो देख नहीं रहा है बट हमें दिखाई दे रहा है, पहुँचने वाला है, देखिए सामने देखो दोस्त अभी सामने दिखाई दे रहा है, अभी धीरे धीरे नज़दीक पहुँच रहा हूँ और आपको क्लियरिटी भी अच्छा देखने लग रहा होगा। अभी दिखाई दे रहा है क्या कैमरा में, हल्का सा दिखाई दे रहा है सफ़ेद सफ़ेद, देखिए वहाँ पे जैसे लग रहा है हम पिक्चर में जैसे देखते हैं ना कि फ़ोटो वगैरह, ऐसे ही दिखाई दे रहा है अभी फ़िलहाल। तो चलिए अभी हमारा जो एक्सपेक्टेशन था उस टाइम पे पहुँचने का, तो शायद उसी टाइम पहुँच जाएंगे, और हमारा जो ख्वाहिश था गुलमर्ग पहुँचूँगा और वो भी पूरे होने वाला है। तो और आपको भी गुलमर्ग एक बार दिखाऊँगा आज का दिन में, यहाँ पर कैसे बर्फ़ गिरा है क्या है। इस रोड पे तो कुछ है नहीं अभी, इस रोड बिल्कुल क्लियर है, धूप भी निकला आज, मौसम भी साफ है, कोई दिक्कत भी नहीं है। बिल्कुल साफ हो गया, अभी नज़दीक जितना आ गया उतना ही आपको साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। और देखिए पहुंचने वाला है हमारा सपना का राज गुलमर्ग। तो गुलमर्ग आपको लाइफ में एक बार आना ही पड़ेगा, हमारा वीडियो देखेंगे तो और भी आपको लगेगा कब जाऊं। तो देखिए दोस्त अभी बर्फ़ से पूरा ढका हुआ है, वहाँ सफ़ेद ही सफ़ेद नज़र आ रहा है, तो वहीं हम लोग पहुँचेंगे और दो फेज का हम गोंडोला राइड भी करेंगे। ये जो चेक पोस्ट है यहाँ एंट्री पॉइंट है अपना कार का,
125 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा इस पॉइंट पे। और आपका पास हैंड ग्लव्स अगर गर्मी का नहीं है तो यहाँ से भी खरीद सकते हो। ये टांगमार्ग एरिया है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन है राइट साइड में, ये टांगमार्ग पुलिस स्टेशन है और यहाँ से सीधा पहुँचना है हमें आगे। ये देखिए सामने डीएल का गाड़ी है, मतलब दिल्ली से आया है ये भी, और हमें सीधा जाना है, ये टांगमार्ग एरिया है। क्या हो गया यहाँ से क्या रहता है? यहाँ से रहता है हमारे पास स्नो ड्रेस, शूज, कोट, कैप, वो गवर्नमेंट का रहता है बॉडी पे। इसमें ना आपको किसी का कमीशन है बात सुन, ना किसी का, ये आप डायरेक्ट आए जैसे यहाँ नीचे में। आप देखो मेरा साथ में और भी गाड़ी है, मैं उनसे बात करके आपसे बात करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नहीं ऐसा आप गाड़ी नहीं, आप हमारा मेहमान है वो चिंता ठीक है, बट आप जो जैसे रुक रहे हो ना, नहीं जैसे ऐसे मत रुको जहाँ पे आपने 50 का स्लिप, नहीं आप जैसे गाड़ी दिखा रहे हो ना, जैसे कुछ हमने कुछ ये कर दिया, गलत कर दिया, आप ऐसे दिखा रहे थे, ऐसे नहीं दिखाओ, आप हाथ दिखाओ, आप एक ग्लास लेके आओ, एक कोट भी लेके आओ साथ में, आप उसको दिखाओ, आपको जब भाई ये चाहिए तो आप रुक सकते हो यहाँ पे, ये चीज है ठीक है। यहाँ से अनादर 13 किलोमीटर आगे जाना है और गुलमर्ग पहुँचने के लिए। तो दोस्त यहाँ पे एक पॉइंट था, वहाँ से हमने ये जो बोरी बिस्तर मैं पहना हूँ देख रहे हो, इसमें हमारा कोट है, एक गाम्बूट है, ये सारे नेगोशिएट करने के बाद हमने 175 रुपये में तय किया है। और ये बहुत ही एसेंशियल है, आप जब सेकेंड फेज में ऊपर जाएंगे वहाँ पर काफ़ी ठंडी लगेगा और कंफर्टेबली आप वहाँ का जो सिचुएशन है उसको एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्त इतना दूर आ रहा है तो 175 रुपीज़ कुछ नहीं है, आप एक कोट एंड ये स्नो बूट जिसको गाम बूट कहते हैं वो जरूर लीजिएगा। डबल बैंकिंग तो कर सकते हो, मतलब दो गाड़ी आना जाना कर सकते हैं, इतना चौड़ा तो है, फिर भी आप थोड़ा सा सावधानी से जरूर चलाइए। अभी भी हमें 7 किलोमीटर आगे जाना है गुलमर्ग फाइनल डेस्टिनेशन तक। देखिए बर्फ अभी यहाँ पे काफी दिखाई देना शुरू हो गया है दोस्त, यही है गुलमर्ग आने का फायदा। दोस्त ये जो रोड से हम जा रहे हैं ना, इस रोड का जो नंबर दिया गया है 701A, नेशनल हाईवे 701A। सूरज देखो कितना बढ़िया निकला, और सूरज से छोड़ो आगे देखो नजारा देखो आप, ओह रियली वेरी नाइस व्यू पॉइंट, ये व्यू पॉइंट है। यहाँ उतर के आप थोड़ा सा यहाँ से फोटोग्राफी अगर चाहे तो कर सकते, बट वापस आते टाइम हम भी करेंगे, हमारा टाइम ख़त्म होने जा रहा है, जो हम बुकिंग स्लॉट था उसी हिसाब से हम पहुँचना चाहिए, बाद में अगर उन्होंने मुकड़ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 किलोमीटर रहेगा और गुलमर्ग पहुँचने के लिए। Just we are approaching towards the Gulmarg entry point. यहाँ पे चेक हुआ है, बट क्या चेक किया उन्होंने पता नहीं चला मुझे, वो तो बोला जस्ट एक बार झाके उन्होंने अंदर की तरफ और बोला आगे बढ़ो, तो मुझे पता नहीं चल पाया क्या रीजन है क्या चेक किए। अभी यहाँ एक शिव टेम्पल भी है, देखिए 50 किलोमीटर मतलब हाफ किलोमीटर है। जोड़ाई जा रहा है ना पापी ते हमार बोल रहे। ये देखो दो, ये लोग काफी एक्साइटेड हो गया बर्फ देखते हुए। देखो दोस्त अभी देखिए तब ऊपर
जना धरिया है। ये पर्स सोमो पहन के आया। ये जो हमने सामने देखी ये चढ़ गया, पता नहीं किस लिए चढ़ा, और कुछ लोग बता रहे सोमो। अभी सोमो क्या होता है मैं थोड़ा आपको पूछ के बता दूंगा, बट ये सोमो मुझे तो समझ में नहीं आया ये सोमो क्या है। बट ये देखिए हमारा सामने जो कार जा रहा है, हमारा जो हाइड किया गया कार है, वो बंदा ने चढ़ गया उसमें, किस लिए चढ़ा आई डोंट नो। हो सके कुछ घोड़े वोड़े या कुछ ऐसे कुछ होगा, कार फाड़ का बुकिंग के लिए। ये दोस्त देखिए पार्किंग एरिया है, पहुंच रहे हैं हम, पार्क करने वाला है अपना व्हीकल। वी हैव रीच्ड टू गुलमर्ग एरिया एंड यहां पे भाई, हेलो ब्रदर, हाय, एक मिनट, क्या नाम है आपका भाई? रेहान भाई, आप हमारे साथ चल रहे हो? जरूर। तो इसीलिए मैं आपसे थोड़ा सा कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ जी सर। जैसे ये लास्ट पार्किंग एरिया यही है जी सर, इससे आगे नहीं जाएगा? इससे आगे यहाँ पे जो टूरिस्ट टाइम डे गाड़ियाँ हैं वो अलाउड नहीं है, वो आप यहाँ पे टूरिस्ट स्टेशन सेंटर है वहाँ पे भी आप कंफर्म कर सकते हो, सामने पुलिस स्टेशन है यहाँ पे भी कंफर्म कर सकते हो। ओनली जो नाइट स्टे व्हीकल्स है दे कैन गो बिहाइंड दिस पॉइंट, जो नाइट स्टे, क्योंकि यहाँ पे 41 होटल्स है, 2400 कॉटेज है, उनकी गाड़ियाँ आगे जाती है, जिनका नाइट स्टे होगा होटल तक उनकी गाड़ियाँ जाती है। टिकट है मनी? टिकट जी जी मैडम, टिकट साथ में ले लो। रुको एक मिनट रुको जी, जी। तो उसके बाद अपने पास यहाँ पे तीन ऑप्शन रहता है, घोड़ा, लोकल टैक्सी और एटीवी बाइक और बाई वॉक। यहाँ पे किसी चीज़ में किसी को फोर्स नहीं, आप पैदल जाओ, कोई रोकेगा नहीं, गाड़ी में जाओ, जैसे आपको अच्छा लगे वो आपको रहेगा। ये फिक्स रेट है यहाँ पे जी सर? क्या क्या रेट थोड़ा बताओ, फिक्स रेट में कोई दिक्कत होगा नहीं? कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप एटीवी में जाओगे 13 किलोमीटर राइड 2500 है, अगर आप 9 किलोमीटर वाला राइड जाओगे 1800 एटीवी का, जो एसोसिएशन वहाँ पे है, केबल कार में जाओगे 740 प्लस 950 गवर्नमेंट का उसका टिकट रहता है। अगर घोड़े से जाओगे, अगर आप घंटे के हिसाब से जाओगे 500 रुपये घंटे का है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में जाओगे वहाँ पे बोर्ड लगा है 2420 फुल डे का। जैसे हमने टिकट लेके आया, ऑनलाइन बुकिंग कर दिया है और टाइमिंग दिया है, टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। मेरा भाई आपके साथ वहाँ पे रहेगा इंशाल्लाह, आपको जब आप वापस आओगे तब आप भाई से इंटरव्यू लेना आपको कैसा लगा हमारा गुलमर्ग। और एक चीज बताइए अभी क्या करना है हमें? अभी पहले आप चाय पी के फिर गाड़ियों में बैठ के गुलमर्ग शहर घूम के आ जाओ, वापस में भाई को ओके रिपोर्ट दे देना कैसा लगा। आप कुछ टिकट का बात कर रहे थे, क्या है कौन सा टिकट का ये बोल रहा है ना, टिकट लेना क्या है? हम यहाँ पे एंट्री कराना पड़ता है टूरिस्ट ऑफिस में, कितने टूरिस्ट आए। जैसे कि देखो बात क्या है, अगर आपको यहाँ पे कोई मिसबिहेविंग होती है, मिसगाइडिंग होती है, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड लोग रहते हैं, आप हमें पूछ सकते हो वापस आने के बाद। अगर आप यहाँ से आगे करोगे जैसे कि अनरजिस्टर्ड रहते हैं उनसे बात करोगे तो फिर अगर कुछ होगा तो उसमें हम जिम्मेवार नहीं रहते। अच्छा जी सर, तो अभी पहले सबसे पहले वहाँ रजिस्टर कराना पड़ेगा कितना पूछते हैं। अभी देखिए सामने गुलमर्ग का उसी एरिया में जाना है, सबसे पहले हम जाएंगे फर्स्ट फेज सेकंड फेज, उससे पहले चाय पी लेता हूँ, कॉफ़ी पी लेता हूँ। और जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है, एक आधार कार्ड चाहिए और आपका जो टीम मेंबर है कितना लोग है टीम में वो सारे डिटेल्स के साथ वहाँ रजिस्टर कराना पड़ेगा। एक आधार कार्ड, किसी एक पर्टिकुलर एक बंदा का आधार कार्ड देना है, रजिस्टर कराइए, चाय पीजिए। मैंने ये जो टाटा सुमो है इसको मैं बुक किया है, दो टाटा सुमो लिए है 10 बंदा के लिए, 500 हज़ार करके सबको पर हेड उसमें देना है और पूरा एरिया साइट सीइंग उन्होंने घुमा देंगे। तो हम जैसे जैसे जहाँ जहाँ जाएंगे आपको दिखाते रहेंगे और चलते रहेंगे। तो चलिए पहले कॉफ़ी पी लेता हूँ, कॉफ़ी के बाद आगे चलते हैं। क्या नाम है भाई आपका? साहिल भाई। साहिल जी, आपका गंडोला से ऊपर भी जाओगे क्या? हम लेके जाएगा ना आपको गंडोला से ऊपर। तो आपका टिकट का कैसे अरेंजमेंट करते हो? हम टिकट का, हमारा टिकट नहीं रहता है सर। आपको जरूरत नहीं था, आपका रजिस्टर्ड है? हम रजिस्टर्ड है। अच्छा, तो आपको अलाउ कर देगा ऐसे ही? हाँ जी, साथ में रहेंगे एज ए गाइड रहेंगे। तो हमने सोचा आपको बेटरमेंट के लिए, नॉट फॉर मी इट इज फॉर यू, आपका बेटरमेंट के लिए मैं इनको हायर किया हूँ और ये साथ में रहेगा, पूरा एरिया घुमाएंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे एंड ही विल एक्सप्लेन मी ईच एंड एवरीथिंग। तो दोस्त जैसे हमने वहाँ से लिए थे ड्रेस मटेरियल, विंटर ड्रेस मटेरियल और बर्फ का स्नो ड्रेस, ये जो कोट है, इस कोट, स्नो बूट और ये ड्रेस के लिए 175 रुपीस लिए। बट मुझे नहीं लगता है यहाँ पे इतना एसेंशियल है एज ऑफ नाउ, आज का दिन में शायद ही ये ज़रूरत है। आप अपना ड्रेस थोड़ा सा अगर मोटा कपड़ा पहन के आए ना, आपको ये ज़रूरत नहीं है, 175 रुपीस आप बचा सकते हो। और जो ये चश्मा है,
देखिए ये चश्मा 100 रुपीज़ में ये चश्मा हमने लिए थे, बट मुझे नहीं लगता इस चश्मा का भी रिक्वायरमेंट अभी यहाँ पे है। तो ये कार है, इसमें हम जाएंगे। देखिए एक ये है एंड अनदर दिस वन। दोस्त अभी तक आप अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको गुजारिश है आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारा जो नया नया जगह का जाने का और आपको ले जाने का जो मंशा है वो हमारा बरकरार रहे और नया वीडियो जो अपलोड करेंगे आप तक तुरंत वो भी पहुँच जाए। इस एपिसोड में मैं आपको गोंडोला राइड कराएंगे फर्स्ट फेज सेकेंड फेज, और गुलमर्ग का जो भी साइट सींग एरिया है हम आपको वो भी एरिया आपको ले चलेंगे और आपको सारे जगह आपको एक्सप्लोर कराएंगे। हमारा आज का टूर प्लान इस तरह है, हमारा जो पर्सनल व्हीकल और जो हायर कार हमने लेके आए थे दोनों यहाँ पे पार्किंग में पार्क किए, और दो कार हमने हायर किया जिसमें 10 जोन हम ऑक्यूपाई किए हैं, और इसके लिए हमें पर हेड 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये ले जाएंगे गोंडोला राइड के लिए, जहाँ पे इनिशियल पॉइंट है वहाँ पे हमें ड्रॉप करेंगे, हम लोग चला जाएंगे गोंडोला राइड पे फर्स्ट फेज पे। तो वहाँ पे एक्सप्लोर करने के बाद फिर दोबारा जो मिड पॉइंट है जहाँ पे हमें फर्स्ट फेज के लिए लेके जाते हैं, वहाँ से फिर हम जाएंगे सेकेंड फेज के लिए, देन वापस सिमिलरली उसी तरह हम आ जाएंगे मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट पे आने के बाद फिर हम जाएंगे डाउनफॉल पे नीचे जहाँ इनिशियल पॉइंट है, और वहाँ से ये जो कार है ये हमें फिर दोबारा पिकअप करेंगे और गुलमर्ग का जो एरिया है वो हमें एक्सप्लोर कराएंगे। पार्किंग एरिया से गोंडोला पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है लगभग 3 किलोमीटर है, और आप वहाँ पे पैदल भी जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से लोकल कार आपको हायर करना होगा। आप चाहे तो घोड़े के माध्यम से भी फर्स्ट पॉइंट तक जो गोंडोला ले जाते हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे गोंडोला पॉइंट है। देखिए हम लोग 5 बंदे बैठे हैं इसमें कार में। ये कश्मीर को मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, बट मैं कहता हूँ मिनी स्विट्जरलैंड नहीं है, स्विट्जरलैंड से बेटर है ये, दिस इज बेटर देन स्विट्जरलैंड। कार या घोड़े को प्राइस नेगोशिएट से ही करें और गुमराह होने से बचे। मेरा वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओहो देखो दोस्त, रियलिटी से सर्क सर्क सर्क। तो ये देखिए मेरा पास में ऑनलाइन टिकट है दोस्त, फर्स्ट फेज का जो टिकट प्राइस है एंट्री फीस 740 रुपये। हम 10 लोग हैं, 10 लोग का पर्ची हमने निकाल के ले आया ऑनलाइन का प्रिंट लेके आए 740 का, और सेकेंड फेज का 950 रुपये। तो वो तो बाद में रिक्वायरमेंट होगा, उनको बुला आपने, आप जल्दी आ जाओ। ये जो कार देख रहे हो दोस्त अदर देन दिस जैन का, इसका एक्चुअली जो है यहाँ पे होटल है, कुछ होटल में जो स्टे कर रहा है उनका कार ही यहाँ पे अलाउड कर रहा है। गोंडोला का मतलब क्या है? गोंडोला का मतलब ये लेके जाता है लेके आता है। कई कई जगह पे गंडोला को बोलता है रोपे, कई जगह बोलता है चेयर कार, तो अलग अलग नाम अलग अलग जगह पे यहाँ पे गंडोला कहा जाता है। तो देखिए टाइम बहुत चेक करते हैं लोग, टाइम के हिसाब से आपको आना पड़ेगा। यहाँ स्लिप करता है, थोड़ा संभाल के चलिए क्योंकि चलते चलते है ना बर्फ बिल्कुल शीशा बन गया। ये देखो नीचे से हम जो जा रहे हैं ना ये सारे बर्फ है, इसमें थोड़ा सा भी आप सावधान हटे दुर्घटना घटे, थोड़ा सा संभाल के फिसल है, ये चलना पड़ेगा उसी हिसाब से। ये देखो स्लिप कट रहा है। अभी तक हम लोग यही सोच रहे थे सबसे पहले हम लोग पहुँचेंगे, लेकिन ये जो लाइन है लाइन देखते हुए हमारा जो भ्रम है ये दूर हो गया। सुबह 7 बजे श्रीनगर से चले थे और जो 9 बजे का जो टाइमिंग है ओपनिंग टाइमिंग गोंडोला का,
तो उससे पहले पहले ही हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। लेकिन दोस्त देखिए यहाँ पे जो जनता दिखाई दे रहा है, जो टूरिस्ट दिखाई दे रहा है, ऐसे लगता है ये लोग कब आए होंगे मुझे पता नहीं। लेकिन इसमें से कुछ लोग यहाँ पे जो होटल है इसमें रह रहे हैं। होटल से संबंधित मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, गुलमर्ग में इस समय विंटर में यहाँ पे होटल में रहने का कोई आवश्यकता नहीं है। एक तो यहाँ पे हीटिंग सिस्टम ये लोग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि छोटा होटल सारे मैक्सिमम बंद कर दिया गया है, और ज़्यादातर होटल जो बड़े बड़े होटल है जो हीटिंग प्रोवाइड कर पाएंगे उन लोग काफ़ी चार्ज करेगा यहाँ पे। मोर ओवर एक दिन का टूर प्लान यहाँ पे करिए, काफ़ी है एक दिन के लिए। आपको श्रीनगर में रहिए, वहाँ से एक दिन आइए, वहाँ के यहाँ पे सारे चीज़ कवर करके फिर वापस श्रीनगर जा करके आराम से नाश्ते करिए। यहाँ पे ठंडी में झेलने का कोई आवश्यकता नहीं है। मोर ओवर यहाँ पे पानी का समस्या भी होटल में आपको देखने को मिलेगा। पहुँच चुके हैं गोंडोला चेयर के पास, यहीं से हम बोर्ड करेंगे और आगे जाएंगे फर्स्ट पेज के लिए। ये कंट्रोल रूम है, यहीं से हमें बोर्डिंग करना है। फाइनली बैठ गया भाई हमें गोंडोला में, और यहाँ पे जो कैपेसिटी है टोटल 6 है और हम लोग अभी फिलहाल बैठे हैं 5। जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम रतन है, और ये जो मेरा दोस्त है मेरा नाम से पुकार रहा है, एक्चुअली ये काफ़ी दिन से मतलब काफ़ी सालों से इनका मनसा था किसी बर्फ वाले हिल स्टेशन में जाए और एंजॉय करें। तो ये जो बर्फ देखते हुए इनका जो मन का उत्साह, मन का जो उल्लास, वो रहा नहीं जा रहा है इनसे। दे आर वेरी एक्साइटिंग। हाँ, क्या बता रहे थे दोबारा बताओ तो रहा सही बात। स्केटिंग होता है ना नीचे का पूरा। अच्छा, ये नीचे देखो जो घर दिखाई दे रहा है उसका घर का छाद तो नहीं दिखाई दे रहा, सफेद हो गया, बट यहाँ पे भेड़ बकरी चलाने वाला जो है ना सब यहीं रहते हैं, बट अभी ठंडी का मौसम है वो नीचे वैली में चला जाता है। This is first phase. तो ये फर्स्ट फेज है, ठीक है ना। अभी आपकी इच्छा है, यहाँ पे तीन ऑप्शन रहता है, स्लेज भी रहता है, स्नो बाइक भी रहता है और स्केटिंग भी रहता है, समझ गए। ये रहता है स्लेज वाला, अगर इनके साथ यहाँ बात बनाएगा इनका यहाँ नंबर सिस्टम रहता है, समझ गए। जैसा किसी का भी नंबर होता है ना, जैसा इन टूरिस्ट का, तो ये यहाँ पे आपको एंट्री करवाएगा और लेके जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। आप सब जमा हो जाओ, किस पे क्या करना है, स्केटिंग किसको करना है उसको अलग निकालो, जिसको स्लेज करना है स्लेज का अलग निकलेगा, जिसको स्नो बाइक करना है वो अलग निकलेगा, समझ गए। आप 10 लोग हैं ना, स्नो बाइक क्या, स्नो बाइक होता है मोटर वाला बाइक है वो वहाँ पे लेके, वो देखो वो बाइक है जो घूम रहा है वो स्किन चलता है, स्लेज ही से जाता है उधर। आप क्या, आपको क्या करना है, स्लेज करना है, स्नो बाइक है और स्केटिंग है, तीन ऑप्शन में जो आपको एडवेंचर अच्छा लगेगा, समझ गया। बाकी आपने ऑप्शन बता दिया ना जी। और क्या रेट पे है यहाँ पे रेट? जी जी जी, पहले आप डिसाइड कीजिए कितना लोग स्किंग करेगा, कितना लोग वो तो हम बाद में डिसाइड कर उनसे पूछ के बता सकते हैं भैया। रहेगा आपको पर हेड 1000 रुपीज एक आदमी का। ओके, स्लेज खींचने वाला प्लस हेल्पर, ठीक है। स्नो बाइक का रहेगा अगर आप शॉर्ट राइड के लिए जाओगे 1000 रुपीज, अगर आप लॉन्ग राइड करोगे 2000, ठीक है। स्लेज का 1000, स्नो बाइक, पहले आप डिसाइड करो स्नो बाइक पे कितना लोग जाएगा, किस राउंड पे। अभी मैं बोला ना, बता नहीं पाऊंगा कुछ। अच्छा, भी ठीक है, हमें सिर्फ रेट मतलब स्नो बाइक का। स्किंग का हो गया 1500, हाँ ठीक है, विद टीचर। ये टोटल बनता है जितना कहते हैं 4500 रुपए एक आदमी का खर्चा। अच्छा, स्किंग स्लेज प्लस स्नो बाइक, अगर सब चीज, अगर सब चीज करेगा, अगर आप एक ही करेगा एक ही का खर्चा होगा, ठीक है ना, वही आप पहले डिसाइड करो। ठीक है, समझ गया आपका बात, हम डिसाइड करेंगे। आप इनका किसी बात किसी बहकाव में मत आइए, आप
आगे निकल जाइए और वहाँ पे 1000 रुपया का चीज़ आपको 250-300 रुपया में कोई भी सुनो स्पोर्ट्स एक्टिविटी क्यों ना हो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इनिशियली ये लोग ऐसे बोलते रहते हैं, बट इस बात पे आप ध्यान मत दीजिए, आगे निकल जाइए। बस हमारा सामने जो है फर्स्ट फेज का अलर्टिंग पॉइंट है और ये जो जा रहा है, ये देखिए ऊपर जा रहा है, ये सेकेंड फेज के लिए। अभी 12:30 बज रहा है, 1 बजे तक हमें वहाँ भी जाना है, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। आ जाओ थोड़ा संभाल के आओ। तो ये पहले मौका मिला इन लोगों को साथ बैठने के लिए। जय हिंद। देखिए अभी आगे रुकावट है, हम होल्ड हो गए यहाँ पे स्टार्टिंग में। आप अगर गुलमर्ग की यात्रा पर है तो सबसे पहले यहाँ की गोंडोला लिफ्ट की यात्रा करना ना भूले, जो एशिया का एकलौता समुद्री तल से लगभग 13,500 फीट ऊंचा केबल कार सिस्टम है। देखिए यहाँ से व्यू देखिए दोस्त, ये है हमारा इंडिया। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो फूलों की प्रदेश के नाम से भी प्रसिद्ध है। लगभग 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग की खोज 1927 में अंग्रेजों ने की थी। कहा जाता है कि पहले गुलमर्ग का असली नाम गौरी मार्ग था, जो यहाँ के चरवाहों ने इसे दिया था। फिर 16वीं शताब्दी में सुल्तान यूसुफ शाह ने इसका नाम गुलमर्ग रखा। यहाँ से जस्ट नीचे दिखाई दे रहे हैं गुलमर्ग का फर्स्ट पॉइंट, यहाँ फर्स्ट फेज का जो पॉइंट है वहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वहाँ पे सारे विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जो स्नो स्पोर्ट्स एक्टिविटी, सारे वहीं पे हो रहा है। ऊपर ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन दोस्त आप इतना दूर आए, 950 रुपये का जो टिकट है यहाँ से सेकंड फेज के लिए, वो आप दीजिए और ऊपर जा कर के भी चेक कीजिए क्या है। अदरवाइज मन में एक आपको दुविधा रह जाएगा, क्या छोड़ के आया हूँ हम गुलमर्ग में। It could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober looking. अभी पहुंच गया भाई, देखो हमारा डेस्टिनेशन आ गया सेकंड फेज का। तो दोस्त क्या नाम है आपका? फारूक जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे फोटोग्राफर हूँ। यहाँ पे कितना विजिटर आता है डेली? आप मैक्सिमम यहाँ सेकंड फेज पे मैक्सिमम 200-300 आते हैं। तो अभी विंटर चल रहा है, ज़्यादातर नीचे होते हैं फर्स्ट फेज पे, वहाँ तकरीबन 3000 तक आते हैं। अच्छा, इस जगह का क्या नाम है? इसका नाम है अफरवट। अफरवट, अच्छा। ये बॉर्डर कितना दूर है यहाँ से? मैक्सिमम 14 किलोमीटर तक। 14 किलोमीटर तो नज़दीक ही है हम लोग। अच्छा, ये किसका, पाकिस्तान का बॉर्डर है? इस साइड में आगे पूरा पाकिस्तान है। अच्छा, पाकिस्तान का कोई पोस्ट है नज़दीक में? नहीं नहीं, यहाँ को ये तो सारे इंडिया का है ना बॉर्डर है पूरा। अच्छा जी, अपना इंडिया का पोस्ट पड़ता है यहाँ। और बर्फ के साथ खिलवाड़ नहीं किए, ऐसा कैसे हो सकता है दोस्त? ए आ जाओ सब आ जाओ, फुर्ती। ये बर्फ, ये देखो, हा, उठा हाथ में उठा, सुनो फल। मारो एक और मारो। ओए ओए, मेरा से, अरे मेरे को टारगेट कर रहे हैं ये लोग तो। ओए देखो, सारे चारों तरफ से मेरे को टारगेट कर रहा है। ओ भाई, मेरे को वापस पहुंचना भी है, मेरे को टारगेट मत करो, बर्फ मत। ये दोस्त, यहाँ ठंडी में ये मैगी, इस मैगी का रेट है 10 रुपये का मैगी, यहाँ पे है 100 रुपीस। बट खाना है, क्या करे, भूख लग गया। और गर्मा गर्म यहाँ पे अच्छा ही लगता है, चाहे 100 रुपीस देना पड़े। बाद में यहाँ ये मौका नहीं मिलेगा, ना खाने को मिलेगा और ना इस जगह दोबारा। ये हमारा फाइनल, अभी गोंडोला राइड से अभी नीचे जा रहा हूँ, गोलमार्ग गोंडोला राइड।
थैंक्स यू। यहाँ का व्यू तो बहुत बढ़िया है यार, देखिए। अभी दोस्त हम लोग जाएंगे साइट सीइंग के लिए। अभी ये साइट सीइंग में अभी पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाएंगे, चलेंगे जैसे जैसे जहाँ जहाँ जा रहा है मैं आपको बताते जाऊँगा। ये बाई तरफ क्या है इधर? ये सब आर्मी का एरिया है, फौज का एरिया है। फौज का? ये जो इधर देख रहे हैं इस साइड में, इधर इधर इधर, हां, इस जगह में पूरा स्टाबरी होता है। इस जगह का नाम रहता है स्टाबर वैली। मई जून में पूरा स्टाबरी होते हैं, 101 किस्म की स्टाबरी। बहुत जी जी जी, मई जून में बॉर्डर पर आना पड़ेगा मतलब अपने पास। हां, ये जो दो सामने देख रहे हो ना, ये स्ट्रॉबेरी पॉइंट भी है। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी काफी हद तक वहाँ पे स्ट्रॉबेरी होता है ये सीजन में। क्या है ये? खेलन मार्ग है सर। खेलन मार्ग, खेलने का जगह। खेलने का जगह। और इस साइड में, दूसरे साइड में पूरा फेस्टिवल एरिया, पिक्चर बुमरो बुमरो शामराज बुमरो। कौन सा पिक्चर हुआ यहाँ पे? बुमरो बुमरो जो गाना है, वो गाना का शूटिंग यही हुआ था। कौन सा पिक्चर का था वो? ये गोल्फ कोर्स है क्या? 18 होल वाला? अच्छा, 16 वाला छोटा होता है, 18 वाला बड़ा होता है। ये बहुत बड़ा है। कौन सा पिक्चर शूटिंग हुआ था यहाँ पे? जिया जिया रेशम, जब तक है सां। लेकिन आपने ये जाते टाइम नहीं बताया ये सारे चीज। जाते टाइम हमने सारी चीज नहीं किया ना, पहले गेट पर गया था ना। गया तो इसी रास्ता से ही। गया तो इसी रास्ते से। आप 6 पॉइंट का बात कर रहा था ना, तो 6 पॉइंट तो सारे यही दिखा दिए आपने। हाँ, तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ। बोर्ड लिखा हुआ पॉइंट है। नहीं नहीं, आप बता रहे हो ना, पूरा साइट सीइंग कराएंगे, 6 पॉइंट दिखाऊंगा, तो आधा पॉइंट, सारे पॉइंट तो यही दिखा दिए आपने, है ना? ज्यादा टाइम नहीं बताया आपने। ये ये चीज ये है, फलाना है, ये दिखाना है, है ना? बस वही अभी चलते चलते बता रहे हो, अभी उसी टाइम पे चलते चलते बता देते हैं। जाएगा फिर आप उतरो, कोई बात नहीं। नहीं, उतरने की बात नहीं कर रहा हूँ। घंटा उतरो, डेढ़ घंटा, ढाई घंटा उतरो, ऊपर जाना है महाराजा पैलेस। अभी कहाँ जा रहा हूँ? ये सीधा रास्ता महाराजा हरि सिंह पैलेस। हाँ हाँ, पहुँचने वाला है राजा हरि सिंह पैलेस, महाराजा हरि सिंह पैलेस। दोस्त ये देखिए बोर्ड, देखिए सामने महाराजा पैलेस, महाराजा हरि सिंह जिसका नाम से ये कश्मीर फेमस है, उन्हीं का पैलेस हम जाएंगे अभी। नहीं है आगे क्या है लेफ्ट साइड में? कश्मीर वैली पूरा। कश्मीर वैली है सर जी। अभी तो दिखाई नहीं दे रहा, क्लियर नहीं है। अभी क्लियर नहीं है, थोड़ा सा फॉग है इधर। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट बारामूला की साइड है सर। अच्छा। हाँ, पूरा कश्मीर। इस जगह का नाम रहता है वो वाले का व्यू पॉइंट। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, ये व्यू पॉइंट है। अच्छा, इधर ये राजा का महल है। ये जो पैलेस है वही महाराजा हरि सिंह का पैलेस, ये इसी में अभी हम लोग जाएंगे। 40 रुपीस का यहाँ का टिकट है, 40 रुपीस का टिकट लेंगे और आगे देखते हैं। ये महाराजा हरि सिंह का पैलेस है, उनका रेसिडेंट यही रहा करता था एक जमाना में। ये सभा मंडप है, कोई गाइड नहीं है इधर जो बताया हमें। क्या है ये? ये राजा का महल था, ये पहनता था ऐसा पहनता था। अच्छा। फिर बैठता था, समझ गया? इससे ये है, समझ गया? और ये इसका चेयर रहता है। कौन सा चेयर है? चेयर था ये वाला, इस पे बैठता था। और वो था उसका बुखारी, और ये था उसका घड़ी। अच्छा, ये क्या है? बेडिंग है? ये बेडिंग सिस्टम है, लेकिन इसमें ये राजा ने खुद रखा जी। कौन राजा सोता है यहाँ पे? यहाँ पे वही सोता था ना राजा, राजा महाराजा। एसी तो पहले नहीं था ना, अभी लगाया। अभी कौन सोता है सर जी?
नहीं अभी कौन सोता होगा, कोई तो सोता होगा क्योंकि ए सी लगाया, मतलब कोई तो सो रहा है, यूज कर रहा है ना। अखरोट का लकड़ी का घोड़े का तबेला अच्छा ये घोड़े का तबेला था, अभी क्या बना दिया, डाइनिंग रूम क्या है, होटल चल रहा है क्या? ये देखो फर्श देख रहे हो ना, ये सिंगल है, इसमें कोई जोर नहीं है, देखिए इतना बड़ा बनाया है उन्होंने, ये देखिए कितना बड़ा है। पार्किंग है महाराजा हरि सिंह पैलेस का, एंट्री पॉइंट से पहले ही ये पार्किंग एरिया आपको देखने को मिलेगा। 40 रुपीज का टिकट चार्ज है यहाँ का, और अंदर तो मैंने आपको दिखाई रहा हूँ। मेरे ख्याल से हर पर्यटकों का सपना है एक बार ना एक बार कश्मीर के इस सुंदर वादी के मजा जरूर ले। यहाँ के हरे भरे ढलान पूरे साल पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। क्या आपको पता है गुलमर्ग सिर्फ बर्फ से ढकी पहाड़ों का सहारा नहीं, बल्कि यहाँ विश्व का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स भी है और देश का प्रमुख स्की रिसोर्ट भी यहीं पे है। गुलमर्ग बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा शूटिंग लोकेशन में से भी ये एक है। जो सामने हमारा शिव मंदिर दिख रहा है, उसी मंदिर में हमारा पिक्चराइज किया गया जय जय शिव शंकर, वहाँ पे भी विजिट करना चाहिए, बट हमारे पास अभी टाइम नहीं है। शिव जी के दर्शन ऐसे कर लेते हैं।